हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरुमा। इस समय बहुत स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे हैं कि मैम टाइम वेस्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, कई बार सोशल मीडिया पे बहुत टाइम चला जाता है, समझ ही नहीं आता, नींद बहुत आ रही, पढ़ने का मन करता नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, डीमोरलाइज हो जाते हैं, हम क्या करें। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अभी भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर आपको अभी भी मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत पड़ रही है एक महीने पहले, तो बिलीव मी, कहीं ना कहीं आप सीरियस नहीं हो रहे हैं, आप लाइफ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आज मैं आपसे कोई प्यारी प्यारी बात नहीं करूंगी, मैं आपको जीवन की यथार्थता, जीवन की सच्चाई बता रही हूं। लाइफ आप सीरियस नहीं हो रहे हैं, अगर लाइफ में सीरियस हो गए तो अपने आप इंस्टाग्राम नहीं चलेगा 5-10 मिनट से ज्यादा, इंटरनल मोटिवेशन हो जाएगा, क्योंकि आपको दिखेगा कि मैं जीवन में क्या हो सकता हूं ये सब करके, और क्या पा सकता हूं पढ़कर अपने राइट एफर्ट्स देके। माय डियर स्टूडेंट्स, लाइफ बनती है राइट एटीट्यूड से, और राइट एटीट्यूड हमें ये सिखाता है कि हमें किस चीज को कितना तवज्जो देना है, किस चीज को कितना इंपॉर्टेंस देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, आज भी मैसेज करते हैं, इस समय पर भी मैसेज करते हैं कि कोई फ्रेंड रूठ गया उसके कारण मैं बड़ा परेशान हूं, घर वालों ने कुछ कह दिया उससे मेरा दिमाग खराब है, इसीलिए मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। स्टूडेंट्स, आपको समझना है, आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आपके लिए समय क्या जरूरी है, आपके जीवन को क्या बनाने वाला है, ये बहुत जरूरी है। राइट एटीट्यूड होना, किस बात पर कितना सेंसिटिव संवेदनशील हो रहा है होना है। ध्यान रखिए, अगर कोई रिश्ता आपको रुला रहा है, आपको टेंशन दे रहा है, मतलब वो ईश्वर की तरफ से आपके लिए नहीं है, उसके लिए दो कानों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर वो आपके लिए सच्चा है, अगर वो आपको आगे बढ़ाने वाला है, तो वो आपको इतना टेंशन देगा ही नहीं। तो इस समय पर अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है, क्योंकि यहां बात पूरी जिंदगी की हो रही है, एक एग्जाम की नहीं। ये एग्जाम, वो 3 घंटे 20 मिनट आपके जीवन की दिशा डिसाइड करने वाले हैं, आपकी डेस्टिनी डिसाइड करने वाले हैं। इस समय हर आधा घंटा, हर एक घंटा, इवन हर 10 मिनट भी बहुत बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नहीं जानते कि उस 5 मिनट में जो मैंने क्वेश्चन लगाया है, शायद वही मेरा नीट में आ जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, इस समय पर प्लीज सेल्फिश हो जाइए, और सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, पूरी लाइफ के बारे में सोचिए, बिकॉज बिलीव मी, लाइफ इतनी आसान नहीं है। मैं आपको डराना नहीं चाहती, पर मैं आपको वास्तविकता बता रही हूँ। अगर आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए, अगर आपने कमाना शुरू नहीं किया, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हुए, तो पहला ताना आपको घर से पड़ेगा। समाज तो बहुत बाद में आएगा, पहला ताना घर से पड़ेगा, और बिलीव मी, वो यहाँ बहुत दुखता है। और अगर आप सक्सेसफुल हो गए, तो अपने आप ये जो दोस्त, जिनको शायद अभी आपको कुछ समय अवॉइड करना पड़े, वो अपने आप फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाएंगी, ढेरों आपके पास में अपने आप आ जाएंगे। तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने जीवन के तजुर्बे से कह रही हूँ कि आत्मनिर्भर बनना, अपना करियर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय पर अपना जी जान लगा दीजिए, जितना अपना बेस्ट दे सकते हैं वो करने के लिए, बिकॉज दिस टाइम इज गोइंग टू क्रिएट योर डेस्टिनी। डेस्टिनी पहले से नहीं लिखी है, डेस्टिनी बनती है हमारे कर्मों से। ऐसे ही श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्मों की बात थोड़ी ना कही है, उन्होंने भी तो कर्म प्रधानता की बात की गई है। और आपका इस समय एक ही कर्म है, आपका कर्म सिर्फ और सिर्फ एक विद्यार्थी की तरह, एक स्टूडेंट की तरह अपनी पढ़ाई करना, अपना बेस्ट देना है। इस समय ना आप एक बेटे हैं, ना बेटी हैं, ना आप दोस्त हैं, आप कुछ भी नहीं, आप सिर्फ एक स्टूडेंट हैं, और आपको इस समय पढ़ना है। स्टूडेंट्स, इस समय पर हम टीचर्स ही लगे हुए हैं, हमारे पूरा ध्यान ये रहता है कि हम कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड रखें, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प करें आपके सिलेक्शन में। तो आप तो फ्रंट लाइन, आप तो जाकर इस युद्ध में भिड़ने वाले, आपके तो पूरे जीवन का सवाल है, आपके आगे आने वाली आजादी का सवाल है, आपके एक अच्छे करियर का सवाल है, आपके रिच होने का सवाल है, आपके समाज में इज्जत का सवाल है, हर चीज का सवाल है। तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स, इस समय पे सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दीजिए, सोशल मीडिया हटा दीजिए, फ्रेंड्स, फेसबुक, सोशल मीडिया, फेस्टिवल्स, एवरीथिंग कैन वेट, but this time will never come back. So be the master of your destiny, do your karmas righteously, honestly, apne karma kariye, aur Ishwar zarur aapka saath denge. All my blessings, God bless you all.